मंदसौर जिले के पिपला मंडी नगर में आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्मोत्सव मेघवाल एवं सूर्यवंशी समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में सैकड़ों माताएं बहनों द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कृषि उपज मंडी के पास स्थित राजीव गांधी उद्यान से प्रारंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्ग होते हुए गांधी चौराहे के पीछे स्थित जीर्ण मैदान में समापन हुई और समाजजनों द्वारा धर्म सभा का आयोजन किया गया। विशाल कलश यात्रा के दौरान नगर के अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया और संत शिरोमणि रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और नगर परिषद पिपला मंडी अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील देवरिया, सभापति ललित कसेरा, कमल गुर्जर सहित नगर परिषद के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान मंचासीन पदाधिकारियों को समाजजनों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मंचासीन पदाधिकारियों समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा कि मंचंगा तो कसौटी में गंगा। रविदास जी ने कहा कि कार्य अगर पवित्र मन से किया जाए ये तीर्थ करने के समान माना गया है। संत रविदास ने सामाजिक एवं आध्यात्मिक संघर्ष किया था। उन्होंने एक सभ्य समाज की न सिर्फ कल्पना की बल्कि उसे मूर्त रूप देने में भी अहम भूमिका निभाई है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी विषय परिस्थितियों में रहकर दिखाया कि कड़ी मेहनत और संघर्ष से सफलता हासिल की जा सकती है और दलित समाज के लिए प्रेरणा बने। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती मना रहे हैं हम। हमने राजीव गांधी उद्यान से चल समारोह और कलश यात्रा निकाली, जिसका यहाँ जीन मैदान में आकर एक धर्म सभा के रूप में परिवर्तन हुआ। और हम सब जानते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो संदेश लोगों को देना था वो यही है कि आपसी भाईचारे से रहे, सब एकता के साथ रहे और सब मिलजुल कर रहे। और मेरा यही है कि आज इस कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम जो हो रहा है, और मैं सभी क्षेत्रवासियों को संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में एक ऐसे महान संत शिरोमणि रविदास जी ने हमारी बिरादर में जन्म लिया था, जिन्होंने मानवता, मनुष्यता और इंसानियत के लिए काम किया। जीवन भर उन्होंने समरसता, भाईचारे के लिए काम किया। आज पिपलिया मंडी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मेघवाल समाज के तत्वाधान में ऐतिहासिक रूप से मनाई जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और समाज के और सब अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उससे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि संत शिरोमणि रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर चले। जैसा संत रविदास जी कहते थे कि ऐसा चाहूँ राज जहाँ सबन को मिले अन्न, ऊंच नीच सम बसे तो रविदास रहे प्रसन्न। वो कहते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, मन चंगा नहीं होगा, तब तक हमारे जो है गंगा हमारे पास नहीं आएगी। तो मेरी प्रार्थना है कि हम सब लोग मिलजुल करके संपूर्ण मानव जाति के लिए, इंसान के लिए, मनुष्यता के लिए कार्य करें। इसके लिए मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।